नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। बेंगलुरु टेस्ट में भारत की करारी शिकस्त, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हराया। रोहिणी ब्लास्ट में एनएसजी की टीम और एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। रोहिणी ब्लास्ट में फॉरेंसिक यूनिट और स्पेशल सेल के केमिस्टर मौके पर पहुंचे। लॉरेंस पर हर साल 40 लाख रुपए खर्च करता है परिवार, चचेरे भाई ने बताया सच। झारखंड इलेक्शन में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, धनवार से बाबूलाल मरांडी और सरायकेला से चंपाई सोरेन को दिया गया टिकट। 325 स्मॉग गन तैयार, 99 टीम गठित, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली सीएम आतिशी। अजमेर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, तोड़ी गई कई दुकानें। दिवाली से पहले पीएम मोदी आज काशी में देशवासियों को दे रहे 6611 करोड़ की सौगात। नेतन्याहू की हत्या के बाद से भड़का इजराइल, बेरूत और गाजा पर तेज हमले किए गए। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।